Is uh mass of proton is one point six into ten to the power minus twenty seven kg and electron charge is one point six into ten to the power minus nineteen coulomb. Option one is thirteen point three six. ऑप्शन टू इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू ऑप्शन है, है? है साइक्लोट्रॉन में एसिलरेटिंग प्रोटोन के लिए डी का जो रेडियस है वो क्या गिवन है फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर गिवन है ठीक है तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी साइक्लोट्रॉन में किसी uh, आयन के लिए ठीक है तो वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्र आर स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक है ये क्या है साइक्लोट्रॉन में किसी आयन के लिए क्या है काइनेटिक uh, एनर्जी है ठीक है अब हम लोगों को सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है है ना यहाँ पे हम लोगों को चार्ज भी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है डी का रेडियस भी गिवन है यहाँ पे आर क्या है रेडियस ऑफ डी ठीक है और रेडियस ऑफ डी हम लोग का जो साइक्लोट्रॉन होता है ठीक है आप सबको पता ही होगा जो साइक्लोट्रॉन होता है वो कैसा होता है ये क्या है हमारा साइक्लो मतलब यहाँ ये जो सेमी सर्कल है और यहाँ पे इस ये जो इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन बोलते हैं जो किसी ऑक्सीलेटर से क्या रहता है कनेक्टेड रहता है किसे कनेक्टेड रहता है ऑक्सीलेटर से कनेक्टेड रहता है ठीक है ऑक्सीलेटर और यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन है ठीक है तो यहाँ से वो मूव करना शुरू करता है और इस प्रकार से क्या करता है आ, मतलब प्रो... आयन क्या करते हैं मूव करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन मूव कर रहे हैं ठीक है तो टी बाई टू हाफ सेमी सर्कल में करता है टी बाई टू हाफ सेमी सर्कल में कर रहा है मतलब टोटल टाइम क्या है टी है और इसका पाथ क्या है हाफ सेमी सेमी सर्कल है ठीक है सेमी सर्कल पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला हम लोग देखा कि काइनेटिक एनर्जी अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे ठीक है तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का चार्ज क्या हो जाएगा पावर माइनस नाइनटीन का होल स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर और जो डी का रेडियस है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिफ्टी फाइव इंटू टेन दावर माइनस टू का स्क्वायर ठीक है उसके बाद आ, यहाँ पे जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आ, मास जो गिवन है वो क्या माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने से जो हम लोग का एनर्जी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन नाइन इन टू टें पावर माइनस का वैल्यू आया है वो किसमें आया है जूल में आया है और यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में किसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए बोला है ठीक है किसमें फाइंड आउट करने बोला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम लोग यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी जूल में है उसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो होता क्या है एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि ए, एक इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट हो जाएगा ठीक है तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन नाइन इंटू तेन पावर माइनस थर्टीन बाई क्या करेंगे into 10 to the power minus 19 करेंगे ठीक है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया अब इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हमको इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो यहाँ पे जो टेंथ दॉर सिक्स है वो क्या हो जाएगा मेगा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फोर्टीन पॉइंट फोर नाइन इंटू टेंथ दी पावर

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारो चार सौ चार सौ पर